स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एस राणा फ्रॉम राणा बायोलॉजी क्लासेस, शास्त्री नगर, गाजियाबाद. टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बेटा, इस टॉपिक के अंदर बच्चों को जनरली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है. देखिए, रट तो आप लोगे कि फेजेस क्या क्या है. स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्क कहते हैं, स्टॉप होता है तो इसे मेनोपॉज कह देंगे. इस एज पे स्टार्ट होगा, प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा, जो है 45 to 50 की एज पे खत्म हो जाएगा. ये देखिए, जो रटने वाले पार्ट है वो आप रट लोगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट की बात करूं कि अगर आप उसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कैसे आप उसको समझोगे, ग्राफ के अंदर जो हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन है उसको कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि कौन सा हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, कौन सा हार्मोन किसका एंटागोनिस्टिक है और कौन सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे रहा है, जिसकी वजह से वो हार्मोन फ्लक्चुएशन होगी, वो ग्राफ कैसे समझना है, उन सारे पार्ट्स को मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं. तो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना और गौर से कॉपी पेन ले लेना, और साथ में अगर हो सके तो अपनी बुक के अंदर जो एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें वहां पे ओवेरियन इवेंट, यूट्राइन इवेंट, प्यूट्री हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन जो एक चार्ट दे रखा और नीचे डेज लिख रहे होंगे, उसको खोल के रखना और साथ में मैं यहां पे समझाऊंगा तो समझ में आएगा. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या. तो बेटा, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन ऑल द फीमेल प्राइमेट्स. जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं. जनरली ये 28 to 29 डेज की हो सकती है और ये जब स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, इसे हम लोग कहते हैं मेनार्क. तो मेनार्क वो इवेंट है जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, और जब ये साइकिल सीज कर जाती है या पॉज कर जाती है, स्टॉप कर जाती है, उस इवेंट को कहते हैं हम लोग मेनोपॉज. और मेनोपॉज होगा कौन सी एज पे, 45 to 50 ईयर्स की एज पे. गॉट इट. अभी यहां पे हम बात करते हैं कि इसको देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. यहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो अलग अलग इवेंट पैरेलली चलेंगे, ओवरी के अंदर अलग इवेंट हो रहे होंगे और यूटेरस के अंदर या यूटराइन इवेंट अलग हो रहे होंगे, तो आपको उन दोनों को साथ में लेके चलना है. तो जनरली यहां पे हमारे चार फेजेस होते हैं. जो चार फेजेस हैं उसमें सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो फर्स्ट 5th डे तक हो सकता है, मिनिमम 3 डेज का भी होता है, इन सम फीमेल्स 7 डेज का भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग 5 डेज का कंसिडर करके चलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को. और मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होगा कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी वहां पे मेंसेस जो है रिलीज होंगे, और मेंसेस कैसे फॉर्म होंगे, वहां पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है किसकी, यूट्रस की, जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, वो जो बहुत ज्यादा डेंसली रिच होगी ब्लड वेसल्स में, वो शट डाउन होगी, और शट डाउन होने के बाद वो ब्लड वेसल्स के साथ रिलीज हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ मेंसेस. अभी इसके सेपरेट पॉइंट्स को देखेंगे, अभी मैं ओवरव्यू बता रहा हूं आपको. फिर दूसरा जो इवेंट होता है यहां पे, उसे कहते हैं फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज. देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया, पैरेलली दो है, ओवेरियन इवेंट अलग हो रहे हैं, यूटराइन इवेंट अलग हो रहे हैं. तो ध्यान से सुनना, ये जो मेंस्ट्रुअल फेज हुआ है, तो ये जो मेंस्ट्रुअल फेज है ये यूटराइन इवेंट है, क्योंकि ये यूट्रस के अंदर हो रहा है, ठीक है. और यहां पे फॉलिकुलर, फॉलिकुलर इवेंट का मतलब क्या होता है कि जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी में वो मैच्योर करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अभी बताऊंगा उसका फंक्शन. तो वहां पे जब FSH के इन्फ्लुएंस में ये फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ग्राफियल, तो उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं. तो ये जो फॉलिकुलर इवेंट हो गया, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ओवेरियन इवेंट है ये. इट इज व्हाट, ओवेरियन इवेंट. और जो प्रोलिफरेटिव फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज कौन सा इवेंट है, यहां पे किस चीज का प्रोलिफरेशन होगा, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेंस्ट्रुअल इवेंट जो हुए थे, जहां पे एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट डाउन हो गई थी, वही एंडोमेट्रियम लाइनिंग अब वापस क्या करेगी, रीजनरेट करना शुरू करेगी, फिर से वो फॉर्म होना शुरू होगी, उसी चीज को प्रोलिफरेशन कहते हैं. और प्रोलिफरेशन कौन सा इवेंट है, इट इज यूटेराइन इवेंट. गॉट इट.
और जो तीसरा फेज होगा ऑन द एग्जैक्ट 14 डे, क्योंकि ये जो फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज हुआ है 6 से 13 डे तक का होता है। पहले 5 दिन क्या हो गया, मैंने आपको क्या बताया 28 डेज, तो 28 डेज में फर्स्ट 5 डेज मेंस्ट्रुअल फेज हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद 5th डे के बाद क्या आ जाएगा, 6th डे, 6th से 13 डे तक हमारा ये दूसरा फेज होगा। और एग्जैक्ट 14 डे क्या होता है, ओविलेशन होता है। तो ओविलेशन कहां से होगा, जो जो यहां पे फॉलिकुलर फेज के अंदर, यहां पे जो फॉलिकुलर फेज के अंदर फॉलिकल मैच्योर हुआ था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और ग्राफियन बना था, वही फॉलिकल रप्चर करके ओवम को रिलीज करेगा या सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करेगा, उसी इवेंट को हम लोग कहेंगे क्या, ओविलेशन। और ओविलेशन कौन सा इवेंट है बेटा, इट इज ओवेरियन इवेंट, क्योंकि ये ओवरी के अंदर हो रहा होगा। और यहां पे लास्ट में जब ये फॉलिकल रप्चर होगा, अभी मैं सेपरेटली देखो एक्सप्लेन करूंगा, ये एक ओवरव्यू बता रहा हूं आपको मैं। यहां पे जो ओवम है या ओसाइट था जब रिलीज हो जाएगा, तो ये बाहर वाला जो आउटर कवर है, जो ग्रेनुलोसा लाइनिंग इसको कवर करके रख रही थी, ये बाद में क्या बन जाता है, कॉर्पस लूटियम बन जाएगा। तो कॉर्पस लूटियम बन जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसलिए इसे हम कहते हैं लूटियल फेज। तो लूटियल फेज कौन सा इवेंट है, इट इज ओवेरियन इवेंट। तो जो लास्ट वाला फेज होगा उसे कहेंगे हम लोग क्या, लूटियल फेज, लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इसे लूटियल फेज क्यों कह रहे हैं यहां पे, तो देखिए मैंने आपको बताया ओविलेशन के अंदर क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। तो अभी मैं इस फॉलिकल के डेवलपमेंट की बात बाद में करूंगा, पहले ये देखिए ग्राफियन फॉलिकल ये था, ये ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा, रप्चर होने के बाद यहां से ओवम या सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद ये जो आउटर कवर था ग्रेनुलोसा का, जिसके अंदर से ओवम अब निकल चुका है, वो कहलाने लग जाएगा क्या, कॉर्पस लूटियम। तो यहां पे क्या होता है, कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे, लूटियल फेज कहते हैं। उसके अलावा ये कॉर्पस लूटियम जो फॉर्म हुआ था, ये अब क्या सिक्रीट करने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करने लगेगा, और थोड़े टाइम बाद में एस्ट्रोजन को सिक्रीट करने लगेगा, इसलिए हम इसे सिक्रीटरी फेज कहते हैं। और सिक्रीटरी फेज कब होगा, ओविलेशन 14वें दिन खत्म हो गया, तो 15 डे से 28 डे तक जो होगा वो लास्ट फेज होगा। अब हार्मोन्स कौन से यहां पे एसोसिएटेड होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो बेटा बेसिकली देयर आर 4 हार्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब पहला हार्मोन होता है, 2 गोनेडोट्रोपिन्स हैं, एक है हमारे कौन से, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के इफेक्ट में जो रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, कौन से, एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा हार्मोन होगा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इनिशियली किससे बनता है, जो फॉलिकल की लेयर होती है, जो फॉलिकल की लेयर होती है वो एस्ट्रोजन बनाती है, और जो फॉलिकल बाद में रप्चर होने के बाद कॉर्पस लूटियम बन जाता है, ये कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को बनाएगा। तो ये बेसिक 4 हार्मोन, LH, FSH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनको अब हम लोग सिक्वेंसली पढ़ेंगे। तो ध्यान से एक एक इवेंट को आपको देखते रहना है। एक दो इवेंट तो बहुत ईजी है, मेंस्ट्रुअल इवेंट आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ओविलेटरी इवेंट बहुत इजीली समझ में आएगा। जो कॉम्प्लिकेटेड होगा एक ये वाला और एक ये वाला, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड बहुत इजी है, रट सकते हो आप, लेकिन सेकंड और फोर्थ अगर कॉन्सेप्चुअली समझना है तो अब बिल्कुल ध्यान से देखते रहना मेरी। अब हम लोग सेपरेटली एक एक इवेंट को पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेजेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे क्या क्या हॉर्मोन्स फ्लक्चुएट होंगे। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल फेज है, साथ में डायग्राम भी देखते रहना, आप देखेंगे जब मेंस्ट्रुअल फेज होगा ना तो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल लीनियर चल रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा LH और FSH भी बिल्कुल लीनियर चल रहे होंगे, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट 5 डे जो होते हैं जहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उस केस में क्या होता है कि कोई भी हार्मोन के अंदर चेंज नहीं आता, वहां पे मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शट डाउन होती है, इट इज ब्रोकन डाउन एंड इट इज रिलीज्ड विद द ब्रोकन ब्लड वेसल्स। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट मैंने वही लिखा हुआ है, ब्रोकन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल एंड दे विल फॉर्म अ लिक्विड कॉल्ड मेंसेस, और वो फ्लो आउट हो जाएंगे कहां से, वजाइना से। और ये कब होता है, अगर फर्टिलाइज हो जाता है ओवम तो उसी मंथ के बाद से मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो ओवम फर्टिलाइज
नहीं है तो नेक्स्ट मंथ भी ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा, और लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन क्या शो करता है, इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। तो अगर वहां पे मेंस्ट्रुएशन लैक कर रहा है तो माइट बी देयर आर चांसेस दैट वुमेन और दैट फीमेल इज प्रेग्नेंट। ऐसा नहीं है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये स्टॉप करती है इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के केस में, कभी कभी माल न्यूट्रिशन भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है और अदर कोई डिजीज प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, ठीक है, वो लैक करेगी मेंस्ट्रुएशन को। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होगा, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन विल इंडिकेटिव ऑफ इज अ इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। अब होगा क्या कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है इसमें अमाउंट ऑफ ब्लड की बात करें, ईच मंथ कितना अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज होगा, 30-50 ml ब्लड इज रिलीज्ड। अब ये जो 30-50 ml ब्लड है ये क्या करता है, क्लॉट फॉर्म कर लेता है इनसाइड द यूट्रस, ठीक है। अब क्लॉटेड ब्लड तो फ्लो नहीं करेगा, तो उसको क्लॉटेड ब्लड को डिसॉल्व कौन करेगा, तो यूट्रस इटसेल्फ रिलीज अ एंजाइम दैट इज अ फाइब्रोलिटिक एंजाइम, एक फाइब्रिनोलिटिक एंजाइम होता है जो यूट्रस खुद रिलीज करती है और ये जो क्लॉटेड ब्लड था इसको क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी और उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएगी ताकि वो मेंसेस की फॉर्म में रिलीज हो पाए। उसके अलावा दूसरा फेज कौन सा होगा, वो होगा हमारा, अब बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बेटा, और यहाँ पे बहुत सारे जो है चेंजेस आएंगे और हॉर्मोन्स के अंदर बहुत जो है ड्रास्टिक चेंज आएगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहना और साथ में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा डायग्राम के साथ, डोंट वरी। सबसे पहले ये फॉलिकुलर फेज की बात हो रही है, फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव फेज ये दोनों ही दूसरे फेज हैं। यहां पे मैंने बताया था फॉलिकुलर फेज कौन से किसका इवेंट है, फॉलिकुलर फेज इवेंट है किसके अंदर होगा, ये ओवेरियन इवेंट है, और ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये किसका इवेंट है, ये यूट्रस के अंदर होगा। तो यहां पे क्या होगा कि जो शटडाउन हो चुकी है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब हुई थी तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो शटडाउन हो रखी थी वो रिजनरेट करती है, उसी चीज को प्रोलिफरेशन कहते हैं। अभी प्रोलिफरेशन ये किसके इन्फ्लुएंस में करेगी उसकी भी बात करते हैं। पहले यहां देखिए फॉलिकुलर फेज को देखिए, देखिए फॉलिकुलर फेज में क्या होगा कि जो ओवरी के अंदर बहुत सारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, सो ये हमारे प्राइमरी फॉलिकल में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स में कौन से हार्मोन होते हैं, एलएच और एफएसएच। तो एलएच को अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करिए, अभी एफएसएच पे ध्यान दीजिए। एफएसएच का नाम क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जो फॉलिकल है इसको डेवलप करवाना शुरू करेगा। अब ये फॉलिकल में एक्चुअल में है क्या, देखिए फॉलिकल दो चीजों से मिलकर बना, पहला क्या, एक तो ओवम, और ओवम को चारों तरफ से सराउंड करके ग्रेनुलोसा की लेयर। तो ये जो ओवम है और ये जो बाहर ग्रेनुलोसा की लेयर है ये दोनों मिलके फॉलिकल कहलाते हैं, ठीक है। और जब ओवम होता है वो इसको तो रप्चर करता है, जब ये अभी बताऊंगा कि कैसे रप्चर करेगा, तो ये ओवम बाहर आ जाता है तो ये सेपरेट होते हैं, ओवम और फॉलिकल एक चीज नहीं है, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ओवम प्लस ग्रेनुलोसा लेयर विल फॉर्म द फॉलिकल, ठीक है। तो ये फॉलिकल क्या करता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन दैट इज एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, धीरे धीरे साइज में इंक्रीज होगा, मतलब इसका डेवलपमेंट होगा। ये देखिए बड़ा हो रहा है, यहां से ये प्राइमरी फॉलिकल था, ये क्या है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, ये क्या है, सेकेंडरी फॉलिकल है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद ये और बड़ा साइज में होता है, ठीक है, इसका नाम है क्या, टर्शरी फॉलिकल। ये टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर एक फुल फ्लूड फिल्ड कैविटी बन जाती है जिसे हम एंट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। और ये जो एंट्रम बन गया उसके बाद धीरे धीरे यहां पे चारों तरफ इसके एक थीका लेयर और आने लग जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना कहते हैं। और उसके बाद यहां पे ये सबसे बड़ा जो है एक फॉलिकल बनाता है लार्ज साइज का, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्राफियन फॉलिकल, इट इज कॉल्ड व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। और ग्राफियन इसको नाम इसलिए मिला क्योंकि एक साइंटिस्ट थे डी ग्राफ, जिन्होंने इसको पहली बार ऑब्जर्व करा था,
ठीक है, तो यहां पे जो ग्राफीन फॉलिकल होगा इसमें बहुत बड़ी फ्लूड फिल्ड कैविटी होती है और इस फ्लूड फिल्ड कैविटी में एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम लोग कहते हैं लिक्वर फॉलिकुलाई, इट इज कॉल्ड व्हाट, लिक्वर फॉलिकुलाई, ठीक है, जो इस सेंट्रम के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां तक की बात क्लियर होगी कि फॉलिकुलर फेस क्यों कहा था, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ये बन गया हमारा टर्शरी फॉलिकल, ठीक है, और ये बन गया हमारा क्या, ग्राफियन फॉलिकल, इट इज व्हाट, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहां तक तो बात बहुत इजी है कि ये फॉलिकल डेवलप करता जा रहा है किसके इन्फ्लुएंस में, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, तो इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। अब एक चीज थोड़ी सी मैं इसमें नहीं ऐड करूंगा कि यहां पे क्या होता है कि ये जो बाहर वाला, ये जो ग्रेनुलोसा की लेयर है, ये जो ग्रेनुलोसा मैंने आपको चारों तरफ से सराउंड करके यहां पे बनाई है, ये ग्रेनुलोसा की लेयर बनाती है क्या, एक हार्मोन जिसे कहते हैं इस्ट्रोजन, ठीक है, तो इस्ट्रोजन को फॉर्म करती है कौन, ग्रेनुलोसा लाइनिंग, ठीक है। तो ये जो इस्ट्रोजन है बेटा, इस्ट्रोजन दो तरीके से काम करती है, ध्यान से सुनते रहना। देखो, इस्ट्रोजन जब कम कंसंट्रेशन में होती है, इस्ट्रोजन जब कम कंसंट्रेशन में होती है तो ये हमेशा नेगेटिव फीडबैक देती है, नेगेटिव फीडबैक देती है किसको, एलएच और एफएसएच को, तो इनके कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देगी। लेकिन जैसे जैसे देखिए फॉलिकल बड़ा होता जाएगा, ग्रेनुलोसा की थिकनिंग होती चली जाएगी, तो जो इस्ट्रोजन है उसका भी तो कंसंट्रेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा, देखो इस्ट्रोजन भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, और जैसे जैसे इस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इस्ट्रोजन क्या करने लग जाता है, पॉजिटिव फीडबैक देने लग जाता है, और पॉजिटिव फीडबैक देगा तो क्या होगा, एलएच और एफएसएच की कंसंट्रेशन बढ़ गई, यहां पे इंक्रीज हो गई, तो यही होता है किसके अंदर, फॉलिकुलर फेज के अंदर। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, इसने इस्ट्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, कैसे, फॉलिकल बड़ा होता चला गया, इस्ट्रोजन का जो है लेवल बढ़ता चला गया, और ये इस्ट्रोजन क्या करेगा, इस इंडोमेट्रियम लाइनिंग को जो शट डाउन हो गई थी उसको प्रोलिफरेट करेगा, मतलब उसको रीजनरेट करने में, यहां पे लिखा हुआ ओवेरियन हार्मोन, तो ओवेरियन हार्मोन कौन है, इस्ट्रोजन है, और इस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो शेडेड डाउन एंडोमेट्रियम लाइनिंग थी वो रीजनरेट कर जाएगी, और साथ साथ क्या करेगा, वो जो इस्ट्रोजन था वो पॉजिटिव फीडबैक देगा जब हाई कंसंट्रेशन में आ जाएगा, क्योंकि फॉलिकल पूरा डेवलप हो चुका है, वो पॉजिटिव फीडबैक देगा एलएच को और एफएसएच को, और एलएच और एफएसएच की हाई कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, ओविलेटरी फेज हो जाएगा। कैसे ओविलेटरी फेज होगा, ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा कि 13 डे आते आते, ध्यान से जो है ग्राफ को देखिए जो किताब में दिया हुआ है, और वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना, ग्राफ को ऑब्जर्व करना, जब देखोगे फिफ्थ डे तक तो कोई चेंज नहीं था, और फिफ्थ डे के बाद धीरे धीरे जो है इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, और इस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, प्रोजेस्टेरोन के अंदर कोई चेंज नहीं है, ओवेरियन हार्मोन देखने हैं आपको, ठीक है, और गोनाड्रोपिन हार्मोन के अंदर आप देखोगे कि 13 डे से पहले, अगर 12 डे के बाद धीरे धीरे एलएच और एफएसएच अपने जो है कंसंट्रेशन में इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो चुका है, और इस्ट्रोजन कहां से रिलीज हुआ है, यहां से रिलीज हुआ है ग्रेनुलोसा से, तो जितनी थिकनिंग होती चली जाएगी ग्रेनुलोसा की उतनी इस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जितना इस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी इस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देगा किसको, एलएच को और एफएसएच को, और एलएच और एफएसएच कौन से, 13 डे के लास्ट में आते आते, ठीक है, 13 डे के लास्ट में आते आते आप देखोगे कि एलएच का कंसंट्रेशन 8 to 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, और एफएसएच का जो कंसंट्रेशन है वो 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा होगा। आप ग्राफ ध्यान से देखते रहना, और एलएच इतने हाई कंसंट्रेशन में क्या करेगा, एक इवेंट करेगा जिसको कहते हैं हम लोग क्या, एलएच सर्ज, क्या कहेंगे, एलएच सर्ज, और एलएच सर्ज के अंदर क्या होगा भाई, ये जो ओवम था ये रप्चर हो जाएगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये रप्चर हो जाएगा, और ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके क्या करेगा, ओवम को रिलीज कर देगा, और जो रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओविलेटरी फेज, एंड इट रप्चर्ड इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच इज इंक्रीज्ड ड्यू टू इस्ट्रोजन, एंड एलएच की वजह से एलएच सर्ज हुआ, और एलएच सर्ज होके वो ओवम
बाहर रिलीज हो गया। उसी चीज को कहते हैं ओवुलेटरी फेज। ग्राफ में देखना एग्जैक्ट 14 डे ओवुलेटरी फेज हो रहा होगा। गॉट इट? तो बेटा आप लोग वो अपनी स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो यहाँ पे इस डायग्राम को कैसे समझना है? यहाँ पे तो दे रखे हैं सबसे नीचे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, यहाँ पे डेज दिए हुए हैं। यहाँ पे सेपरेट मैंने आपको एक्सप्लेन किए, दो इवेंट होंगे हमारे, एक होंगे ओवेरियन इवेंट और एक होंगे यूट्राइन इवेंट। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे दो पैरेलल इवेंट एक साथ चलते रहेंगे, एक ओवरी के अंदर होगा और दूसरा होगा यूट्रस के अंदर। और यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है कि क्या चेंजेस आएंगे पिट्यूटरी के हार्मोन लेवल में और ओवेरियन हार्मोन लेवल्स में, ठीक है। जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो है गोनेड्रोपिन, दैट इज FSH एंड LH, और यहाँ पे जो ओवरी के अंदर सिक्रीट होंगे हार्मोन, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो हार्मोन्स है इनका जो ग्राफ है ये किस तरीके से राइज करेगा, किस तरीके से ये डाउन होगा, और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इन हार्मोन की फ्लक्चुएशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फेज वाइज। देखिए हम लोगों ने इसको फेज कैसे डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट 5 डेज को हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन फेज कहा, फिर 6 डे से लेके 13 डे तक का जो फेज है उसे फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज कहा है, और बिल्कुल एग्जैक्ट 14 डे हम लोगों ने इसे ओवुलेटरी फेज कहा है, ठीक है। 14 डे वाले दिन हम लोगों ने इसे क्या कहा है, ओवुलेटरी फेज, और उसके बाद 15 डे से जो 29 डे तक है इसे लास्ट वाला फेज कहा है, दैट इज व्हाट, लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा फेज फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, तीसरा फेज हो गया ओविलेटरी फेज, और चौथा फेज है लुटियल या सिक्रेटरी फेज। तो सबसे पहले जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वहां पे आप देख सकते हो कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये शट डाउन हो रही है, ये ब्रेक डाउन हो रही है, और मेंसेस की फॉर्म में ये बॉडी से बाहर रिलीज कर दी जाएगी फ्रॉम द वजाइना। तो ये मेंसेस तो बाहर रिलीज हो जाएंगे और एंडोमेट्रियम का जो साइज है आप देख सकते हो सबसे कम है इस टाइम पे, क्योंकि जो जितनी भी एंडोमेट्रियम है यहाँ पे वो क्या हो चुकी है, यहाँ पे शेड हो चुकी है, और शेड होके वो किस फॉर्म में बाहर जा रही है, मेंसेस की फॉर्म में रिलीज हो रही है। गॉट इट? ये तो मेंस्ट्रुएशन फेज हुआ। अब देखिए मेंस्ट्रुएशन में कोई भी हार्मोन के अंदर चेंजेस नहीं है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट 5 डेज कोई चेंज नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ना तो ओवेरियन हार्मोन्स में ना पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर। अब जो मेन चेंजेस आने शुरू होंगे वो आएंगे कब से, जब 5th डे के बाद, जो 6 डे से 13 डे तक का जो इवेंट होगा। तो यहाँ पे दो फेजेस को सेपरेटली डिवाइड किया है, पहला है फॉलिकुलर और दूसरा है प्रोलिफरेटिव। तो फॉलिकुलर समझिएगा, सबसे पहले फॉलिकुलर फेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये फॉलिकल दिख रहे हैं, तो बेटा ये जो प्रिमोर्डियल फॉलिकल है, दिस वन इज प्रिमोर्डियल फॉलिकल, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ये है टर्शरी फॉलिकल, और ये वाला है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो ये जो फॉलिकल होते हैं, ये फॉलिकल बनते किससे हैं पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए ये जो ओवरी वाला पार्ट होता है, ओवरी में ऑलरेडी बर्थ से पहले ही बहुत सारे प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ओवरी के अंदर, गॉट इट। और ये प्रिमोर्डियल फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप करते हैं, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल फिर साइज में इंक्रीज करता है तो वो सेकेंडरी बनता है, सेकेंडरी के बाद वो टर्शरी बनता है, और फिर वो ग्राफियन बनता है। और बेटा फॉलिकल किसको कहा जाएगा, जो ओवम है, ओवम को सराउंड करने वाली जो ग्रेनुलोसा है, तो ओवम प्लस ग्रेनुलोसा, दिस ओवम प्लस ग्रेनुलोसा लेयर जो इसको सराउंड करेगी, ओवम को यहां से चारों तरफ किसने सराउंड किया हुआ है, इसने, ग्रेनुलोसा लेयर ने, तो इन दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कह देते हैं, फॉलिकल कहते हैं बेटा। तो इसमें जो ग्रेनुलोसा है, इस ग्रेनुलोसा का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है बेटा, वो फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है टू सिक्रीट इस्ट्रोजन,
टू सिक्रीट इस्ट्रोजन, और ये इस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा। तो यहां पे देखिए, जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इस्ट्रोजन का जो है ये फॉलिकल का साइज बढ़ता जा रहा है, इस्ट्रोजन का भी लेवल देखिए धीरे धीरे राइज करेगा। गॉट इट? तो फॉलिकल का जैसे जैसे ग्रोथ होगी, इस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे फॉलिकल का साइज देखिए यहां से राइज करना शुरू करा जब ये टर्शरी फॉलिकल था। और इस्ट्रोजन जो हार्मोन है बेटा, इसके दो काम है। पहला, इस्ट्रोजन का फर्स्ट फंक्शन सुन लीजिए। जो इस्ट्रोजन है, पहला फंक्शन करता है कि ये दो तरीके से रोल प्ले करेगा। अगर इस्ट्रोजन अगर कम कंसंट्रेशन में है तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है, वो नेगेटिव फीडबैक देगा। और जब इस्ट्रोजन हाई कंसंट्रेशन में है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक किसको देगा? LH को और FSH को। तो देखिए यहाँ पे जब तक इस्ट्रोजन में कोई चेंज नहीं था इनिशियली, तो यहाँ पे इसने क्या दिया, इस LH और FSH को नेगेटिव फीडबैक दिया। यहाँ तक क्या दिया? नेगेटिव फीडबैक दिया। और यहाँ से जब ये इस्ट्रोजन का लेवल राइज करने लगा, जैसे ही इस्ट्रोजन का लेवल यहाँ पे राइज किया, तभी इसने क्या किया, LH को और FSH को पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। और LH और FSH का जो लेवल है आप यहां देख सकते हो, LH तो 8 टू 10 टाइम्स इंक्रीज कर गया है, और FSH का जो कंसंट्रेशन है वो 2 टू 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये पहला फंक्शन है। तो इसके इस्ट्रोजन की इन्फ्लुएंस में जैसे ही इस्ट्रोजन बढ़ा, ऐसे ही LH और FSH का भी लेवल राइज किया, क्योंकि इस्ट्रोजन ने इसको क्या किया है, पॉजिटिव फीडबैक दी है। वही इस्ट्रोजन जो पहले कम कंसंट्रेशन में था वो क्या कर रहा था, यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दे रहा था। यहां तक तो बात ये रही। अब इस्ट्रोजन का दूसरा फंक्शन सुन लीजिए। इस्ट्रोजन के प्रेजेंस में यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो मेंस्ट्रुएशन में शट डाउन हुई थी, ये फिर से रीजनरेट करना शुरू करेगी। तो इसका यहाँ पे क्या होगा, रीजनरेशन होगा, और रीजनरेशन और उसे हम लोग प्रोलिफरेशन कहेंगे। तो इस्ट्रोजन के प्रेजेंस में रीजनरेट होगी कौन, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, और उसी के लिए इसे कहते हैं क्या, प्रोलीफरेटिव फेज। गॉट इट? तो प्रोलीफरेटिव फेज तो ये हो गया नीचे वाला, जिसमें एंडोमेट्रियम लाइनिंग रीजनरेट हुई, ठीक है। और ऊपर वाला फेज क्या था, फॉलिकुलर फेज, जिसके अंदर ये फॉलिकल डेवलप होके एक मैच्योर फॉलिकल बना, जिसे हम लोगों ने ग्राफियन फॉलिकल कहा। अब एक चीज और सुनिएगा कि यहां तक तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे ही LH अपने पीक पे पहुंचा, मैंने आपको बताया LH अपने पीक पे पहुंच गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो इतने कंसंट्रेशन में ये LH क्या करेगा, एक इवेंट करेगा। ये ग्राफियन फॉलिकल को, जो मैच्योर फॉलिकल था, जो ग्राफियन फॉलिकल जिसे हम लोग मैच्योर फॉलिकल कह रहे थे, उसको ये रप्चर करवा देगा। और रप्चर करवाने के बाद इस ग्राफिन फॉलिकल को यहां से ओवम या सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगी, और इसी इवेंट को कहा जाएगा क्या, ओविलेशन, जो एग्जैक्टली कहां पे हुआ है, ऑन द 14th डे। तो LH ने क्या किया, ग्राफिन फॉलिकल को ये रप्चर करवा दिया, रप्चर करवा के इस ओवम को यहां से रिलीज कर दिया, और उसी चीज को क्या कहा गया, ओविलेशन कहा गया। और ये कौन से डे हुआ, ये 14 डे हुआ, और इस इवेंट को हम लोग LH सर्ज भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड LH सर्ज, क्योंकि LH की हाई कंसंट्रेशन की वजह से ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है या ब्रेकडाउन होता है। तो यहां तक तो ये बात रही ओविलेटरी फेज की। अब हम लोग बात करते हैं कि ओविलेशन तो हो गया, ओविलेशन किसके इन्फ्लुएंस में हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हुआ। LH सर्ज की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल था वो रप्चर हुआ, ओवम वहां से रिलीज हो गया ऑन द 14th डे। अब जो रिमेन्स बचेंगे किसके, ग्राफियन फॉलिकल के, जो ये जैसे सपोज आप यहां देखिए,
ये ग्राफीन फॉलिकल था, ये रप्चर हुआ, यहां से ओवम निकल गया बाहर, तो उसके बाद ये जो बचा हुआ ये ग्राफीन फॉलिकल का रिमेन्स है वो अब क्या बन जाएंगे, वो एक मास क्रिएट करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस लूटियम। तो दे विल फॉर्म अ येलो एंडोक्राइन मास दैट इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम। तो जो ग्राफीन फॉलिकल ओवुलेशन से पहले इस्ट्रोजन को रिलीज कर रहा था, अब वो ओवुलेशन होने के बाद 14 डे के बाद क्या बन जाएगा, कॉर्पस लूटियम। और वही इस्ट्रोजन सिक्रीट करने वाला ग्राफीन फॉलिकल जब कॉर्पस लूटियम बन जाएगा वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करने लग जाएगा, इट विल स्टार्ट रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन। अब क्या होता है कि एक एक करके इवेंट को देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा और बाद में वो इस्ट्रोजन को सिक्रीट करेगा, एलएचएफएच का एफएसएच का लेवल क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहला पॉइंट मैंने यही लिखा है, रिमेन्स ऑफ ग्राफीन फॉलिकल दे विल फॉर्म कॉर्पस लूटियम अ येलोइश मास, दे सिक्रीट लार्ज अमाउंट ऑफ व्हाट, प्रोजेस्टेरॉन। इन्होंने क्या किया, बहुत सारी अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज किया। देखिए प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है, इस्ट्रोजन का काम क्या था, रीजनरेट करना, मतलब प्रोलिफरेट करना एंडोमेट्रियम लाइनिंग को। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, वहां पे जो लाइनिंग थिक हो चुकी है उसको उसी शेप में मेंटेन करना। गॉट इट? तो सबसे पहले इस्ट्रोजन ने उसको रीजनरेट किया और बाद में प्रोजेस्टेरॉन ने आके उसको मेंटेन करके रखा। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, बताऊंगा क्यों। अभी इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब वो कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ बाद में इस्ट्रोजन भी सिक्रीट करने लग जाएगा। तो आप ग्राफ देखना, ग्राफ में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम बढ़ेगा और उसके बाद जो इस्ट्रोजन का लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। इस्ट्रोजन का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे आएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, और लेटर ऑन थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वहां पे दोनों का ही लेवल प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन का 14 डे के बाद इक्वल होना शुरू हो जाएगा। पहले इनिशियली क्या होगा, इनिशियली वो डिक्रीज होगा इस्ट्रोजन, इंक्रीज होगा प्रोजेस्टेरॉन, और लेटर ऑन प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन दोनों ही हाई कंसेंट्रेशन में वहां पर प्रेजेंट होंगे। अब ये जो एलएच था ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, वो क्या करता है, वो ही स्टिमुलेट करता है इस कॉर्पस लूटियम को। वो जो एलएच सर्ज किया था जिसने जिसने वहां पे ओवुलेशन करवाया था, वो ही ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन इस कॉर्पस लूटियम को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट द प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। अब देखना क्या खेल होता है, इसने कॉर्पस लूटियम को बोला कि तुम प्रोजेस्टेरॉन बनाओ और साथ में एस्ट्रोजन बनाओ, और बाद में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन साथ में मिलके एलएच और एफएसएच को इनहिबिट करने लग जाते हैं, मतलब एलएच और एफएसएच का लेवल खत्म कर देंगे, मतलब उनका सिक्रीट ही नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे, अगर ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एलएच और एफएसएच को इनहिबिट ना करते तो क्या होता भाई, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में दूसरा फॉलिकल फिर से नहीं मैच्योर होना शुरू हो जाता, तो वहां पे कोई दूसरा फॉलिकल फिर से मैच्योर होना शुरू ना करे, इसीलिए ये क्या करते हैं, इनके कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर देते हैं, इनके रिलीज को बंद कर देते हैं, स्टॉप डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉलिकल। क्यों, एफएसएच नहीं होगा, एलएच नहीं होगा तो नया फॉलिकल डेवलप ही नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, जो कॉर्पस लूटियम है ध्यान से सुनना, कॉर्पस लूटियम के दो फेट होते हैं, अगर फर्टिलाइजेशन वहां पे हो रहा है तो ये अलग काम करेगा, और फर्टिलाइजेशन उस ओवम का नहीं हुआ तो वो अलग तरीके से काम करेगा। पहला केस ले रहा हूं जहां पे जो ओवम रिलीज हुआ था कब, ओवुलेशन के टाइम पे, वो फर्टिलाइज हो जाता है। तो अगर वो ओवम फर्टिलाइज हो रहा है तो ध्यान से देखना, ओवम फर्टिलाइज होगा कैसे भाई, 14वें दिन तो क्या हुआ, ओवम रिलीज हो गया, ये 14 डे ओवम रिलीज हो गया। तो सपोज करो वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और वहां पे स्पर्म रिलीज किए गए, तो स्पर्म 14 डे ही इसको जो है फर्टिलाइज नहीं करेंगे, दे विल टेक टू मोर डेज, तो दे विल टेक टू मोर डेज, लाइक 16 डे को फर्टिलाइजेशन हो गया, ऑन द 16 डे फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा कि ये सस्टेन कर जाएगा,
ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये सस्टेन कर जाएगा। क्यों सस्टेन करेगा कॉर्पस लूटियम? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ये लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, और प्रोजेस्टेरोन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा। और अब जब इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन मतलब जब जाइगोट के बाद वो ब्लास्टोसिस स्टेज पे आके मदर की यूट्रस की वॉल पे, एंडोमेट्रियल वॉल पे अटैच होगा, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को थिक होना चाहिए ताकि वहां पे वो प्रेगनेंसी सस्टेन कर पाए। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शट डाउन हो जाएगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सस्टेन, ये जो कॉर्पस लूटियम था ये सस्टेन इसलिए करता है क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता रहता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, मेंटेन करेगा प्रेगनेंसी को और प्रिवेंट करेगा मेंस्ट्रुएशन पे। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। क्यों नहीं होता प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन? क्योंकि वहां पे लार्ज अमाउंट, हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन है, और जब तक प्रोजेस्टेरोन है तब तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग शट डाउन नहीं होगी, और जब तक एंडोमेट्रियल लाइनिंग शट डाउन नहीं होगी तब तक मेंसिस की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो गॉट इट? तो यहां पे पहला फेट तो देख लिया, जब फर्टिलाइजेशन हो गया कॉर्पस लूटियम का तो वो सस्टेन कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना है, और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करके रखेगा प्रेगनेंसी को, और प्रेगनेंसी के टाइम पे लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन भी सिक्रीट करता रहेगा। गॉट इट? और वहां पे प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा क्योंकि प्रोजेस्टेरोन वहां पे है किसको, मेंस्ट्रुअल, इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने के लिए। और अब कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, अगर फर्टिलाइज ना हो तो बेटा ये सस्टेन करेगा 8 से 10 दिन, ओनली फॉर 8 to 10 डेज ये वेट करेगा। वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकैन, कॉर्पस एल्बिकैन, और कॉर्पस एल्बिकैन व्हाइट कलर का मांस होता है, और ये बनने के बाद ये डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस एल्बिकैन, अब ये कहोगे 8 से 10 दिन क्यों वेट कर रहा है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई 16 डे होता है फर्टिलाइजेशन, 16वें दिन होता है फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको क्या बताया 16 डे होता है फर्टिलाइजेशन। अब मैंने क्या बोला कि ये वेट करता है कितने, 8 से 10 दिन, तो मैं 16 है, ठीक है, ये कॉर्पस लूटियम कब बना था, ये बना था 14वें दिन, क्योंकि ओव्यूलेशन जब हुआ था यहां से ओवम बाहर आ गया था, तो ये जो रिमेन्स ऑफ ग्राफीन फॉलिकल थे ये क्या बन गए थे, कॉर्पस लूटियम। तो कॉर्पस लूटियम कौन से दिन बन गया, 14 डे बन गया, ठीक है। तो 14 डे के बाद ये कितने दिन के सस्टेन करता है, 8 से 10 दिन, तो 10 दिन के एवरेज मान लो 14 + 10 कितने हो गए भाई, 24 डेज हो गए। अब ध्यान से देखना, यहां पे 16 डे हो गया फर्टिलाइजेशन, तो वो जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उस फर्टिलाइज ओवम को उस स्टेज तक पहुंचने तक जब वो इम्प्लांट करेगा, इसको यहां 6 से 7 दिन और लगते हैं, ठीक है, इट विल टेक लाइक 6 to 7 डेज मोर। तो 16 + 7 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 23 डे, 23rd डे पे होता है इम्प्लांटेशन, 23rd डे पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन, गॉट इट। और इम्प्लांटेशन होता है 23rd डे, और ये सस्टेन कब तक कर रहा है, 24 डे, एक दिन एक्स्ट्रा और सस्टेन कर रहा है। तो ये क्या चेक करने के लिए इतने दिन तक वेट करता है, 14 डे के बाद 10 दिन और क्यों करता है, ताकि अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये सस्टेन कर जाए, और प्रेगनेंसी ना हो तो ये वेट करके 23rd डे तक, उसके बाद धीरे धीरे डिजनरेट कॉर्पस एल्बिकैन बनना शुरू कर देता है। और जैसे ही कॉर्पस लूटियम नहीं रहा तो वहां पे ना इस्ट्रोजन सिक्रीट होगा ना प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होगा, एलएच और एफएसएच ये इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पहले ही इनहिबिट कर चुके हैं। तो वहां पे क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन फिर से वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग शट डाउन कर जाएगी और नई मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा, नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर 28 डे। गॉट इट? अब क्या होगा कि ये जो फॉलिकल है ये रप्चर हो गया, ये रप्चर होके इसने ओविलेशन कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया, ठीक है। तो ये जो ओवम यहाँ पे रिलीज हो गया है इस फॉलिकल से रप्चर होने के बाद, यहां से ये ओवम बाहर आ चुका है, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल के जो रिमेन्स हैं, जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स हैं, ये रिमेन्स क्या करेंगे,
ये एक येलो एंडोक्राइन मास को फॉर्म करेंगे, और उस येलो एंडोक्राइन मास को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉर्पस लूटियम। इट इज कॉल्ड व्हाट? कॉर्पस लूटियम। तो ध्यान से देखना, यहां पे क्या हुआ, ये रप्चर हो गया और ये जो था ये क्या कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लूटियम बन गया। और ये जो कॉर्पस लूटियम होता है ये क्या करता है, प्रोजेस्ट्रॉन को वेरी हाई कंसेंट्रेशन में रिलीज करेगा, ये प्रोजेस्ट्रॉन को सिक्रेट करेगा। तो क्या है कि देखिए, यहाँ पे जो फॉलिकल ओविलेशन से पहले जो ग्रेनुलोसा लेयर इस्ट्रोजन को बना रही थी, वो ही ओविलेशन होने के बाद जो कॉर्पस लूटियम यहाँ पे फॉर्म की, अब प्रोजेस्ट्रॉन बनाने लग गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अब बढ़ना शुरू हो गया और इस्ट्रोजन का लेवल कम हो चुका है। तो ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हाई हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है, ये हुआ है कॉर्पस लूटियम की वजह से, क्योंकि इसने इसको बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में सिक्रीट किया है। एक तो चीज ये हो गई। अब दूसरी चीज सुनिए बेटा, ये जो कॉर्पस लूटियम था ये अकेले प्रोजेस्ट्रॉन को ही नहीं बनाएगा, लेटर ऑन ये जो कॉर्पस लूटियम है, ये कॉर्पस लूटियम इस्ट्रोजन को भी बनाएगा, और जो इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन अब दोनों ही कंबाइंडली बनने लगेंगे। और इन दोनों को रिलीज करने के लिए इसे कौन स्टिमुलेट करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये LH हार्मोन कॉर्पस लूटियम को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज प्रोजेस्ट्रॉन एंड इस्ट्रोजन। और प्रोजेस्ट्रॉन को हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करेगा। तो इट विल मेंटेन द एंडोमेट्रियल लाइनिंग और एंडोमेट्रियम। और इस्ट्रोजन क्या करेगा, देखिए यहाँ पे और ज्यादा थिकनिंग होती चली जा रही है, साइज में देखिए एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो गई, तो ये इस्ट्रोजन यहाँ पे थिकनिंग कर देगा किसकी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की। और ये दोनों ही हार्मोन कौन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड इस्ट्रोजन क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को रिलीज करने के लिए एनएच ने स्टिमुलेट किया था कॉर्पस लूटियम को, अब यही दोनों हार्मोन साथ मिलके क्या करेंगे, इनहिबिट कर देंगे इसको, एलएच को और एफएसएच को। मतलब अब एलएच और एफएसएच सिक्रीट नहीं होगा। तो आप देखिए जहां प्रोजेस्टेरोन बना वहां उसके बाद से ही कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं है एलएच और एफएसएच में। और ये क्यों किया गया, ताकि कोई भी और फॉलिकल मैच्योर ना हो पाए, ठीक है। और प्रोजेस्ट्रॉन जब तक प्रेजेंट है तब तक एंडोमेट्रियम लाइनिंग भी शेड नहीं हो सकती, और एंडोमेट्रियम तो इसकी और थिकनिंग कराते ही चला जा रहा है। गॉट इट? अब ये जो कॉर्पस लूटियम था ये क्या करता है, इसके पास दो फेट है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या करेगा, ये सस्टेन करेगा, और सस्टेन क्यों करेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहेगा, और प्रोजेस्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन को कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, और प्रेगनेंसी हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। और जो दूसरा हार्मोन है, जो दूसरा केस है यहाँ पे कॉर्पस लूटियम के साथ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉर्पस एल्बिकेन बन जाएगा। ये क्या करेगा, कॉर्पस एल्बिकेन बन जाएगा, और कॉर्पस एल्बिकेन बनने के बाद ये रिग्रेस कर जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कॉर्पस लूटियम अब क्या बन चुका है, रिग्रेस होता चला जा रहा है, ये कॉर्पस एल्बिकेन बन चुका है, ठीक है। और जब कॉर्पस एल्बिकेन भी डिजनरेट हो जाएगा तो यहाँ पे कोई भी प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन सिक्रीट करने वाला नहीं रहा। तो देयर विल बी आफ्टर देयर डिजनरेशन यहाँ पे नो रिलीज
ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एंड इस्ट्रोजन, और जब प्रोजेस्ट्रॉन और इस्ट्रोजन नहीं रहेंगे तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो इतनी थिक हुई थी और इसको मेंटेन थी, ये क्या होने लग जाएगी, ये फिर से शट डाउन हो जाएगी। यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, फिर से शट डाउन हो जाएगी और नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, मतलब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट साइकिल बिगेन्स, और एक मेंस्ट्रुएशन क्यों आया, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन बंद हो गया था। तो ये सारी बात थी किसकी, आपकी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ग्राफ की। तो इसे अगर कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप दोबारा मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के समझाऊंगा। चीज और है बेटा, एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज हो तो किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर पे उसको यूज किया जा सकता है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बात है, मैंने आपको क्या बताया, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया, आप मेरे नोट्स में देखना, ठीक है। नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, सीबीएसई बोर्ड्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई टाइम पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉपर नॉलेज हो तो हम लोग उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना भाई, यहां पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आप 14 डे ओव्यूलेशन होगा, 14 डे ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। और बेटा ये जो ओव्यूलेशन होता है यही फर्टिलिटी का पीरियड होता है, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब जो प्रेगनेंसी होगी, अगर कोई सपोज करो इफ एनी कपल इज प्लानिंग फॉर अ बेबी, ठीक है, और वो प्लानिंग कर रहे हैं तो उन वो क्या करेंगे, उनको पता है कि भाई 14 डे ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेटरी मीटर आते हैं उनसे चेक हो सकता है, और नहीं तो लास्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सपोज करो आज डेट है, फॉर एग्जाम्पल आज डेट है आपकी 20, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आज 20 डेट है, ठीक है, तो उनको क्या काउंट करने हैं, 20 से 14 डे और काउंट करने हैं। तो मंथ को मैं मान रहा हूं कितने दिन का, 30 दिन का एक मंथ मान रहा हूं, तो कितने हो गए, 4 तारीख, अगले महीने की 4 तारीख, फोर्थ नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तब क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पे कॉपुलेशन करना पड़ेगा फोर्थ के आसपास, ठीक है, ताकि वहां पे वो प्रेगनेंसी हो पाए, गॉट इट। जैसे मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन खत्म हुई, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जिस दिन खत्म हुई, उससे 14 डे काउंट करने हैं, तो क्या होगा, अगले महीने फोर्थ को वहां पे ओविलेशन होगा, और वो दे शुड अंडरगो फॉर दैट कॉपुलेशन प्रोसेस और सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वहां पे प्रेगनेंसी हो जाएगी। कौन से दिन, 4 तारीख को हुआ, 2 दिन और लगेंगे फर्टिलाइजेशन, 48 आवर्स लगते हैं फर्टिलाइजेशन होने में, क्योंकि स्पर्म कैपेसिटाइज होता है। तो यहां पे 6 तारीख को एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट 14 डेज में होता है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ओवुलेशन है ये फ्लक्चुएट कर जाता है, ये जो ओवुलेशन होता है ये फ्लक्चुएट करता है, तो इसको हम लोग, एक फॉर्मूला है 14 प्लस माइनस 2 डेज, 14 प्लस माइनस 2 डेज, मतलब 14 में से 2 दिन घटा दो 12, और 14 में 2 दिन और ऐड कर लो, कितने हो गए, 16, ठीक है। तो 12 से 16 दिन, मतलब जैसे सपोज करो 20 को मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुएशन फेज खत्म हुआ, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग खत्म हुई, उस 20 के बाद 12 दिन, मतलब अगले महीने की 2 तारीख से लेके कौन सी, 6 तारीख तक वो बहुत ही ससेप्टेबल पीरियड होगा प्रेगनेंसी का, मतलब वहां पे रिप्रोडक्शन होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसे केस में अगर कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चा हो, ठीक है, वो दे आर नॉट प्लानिंग फॉर दैट बेबी, और ऑलरेडी दे हैव 2 बेबीज, तो वहां पे वो दे शुड अवॉइड और यूज नो सम फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है, जिससे वो क्या कर सकते हैं, इस प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उनको उस ड्यूरेशन में क्या करना है,
प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तो उनको अवॉइड करना पड़ेगा कौन से डे से, 12 डे से 16 डे, तो वहां पे प्रेगनेंसी के जो चांस हैं वो बहुत कम होंगे। गॉट इट? क्योंकि ये बहुत जो पीरियड है बहुत ससेप्टेबल पीरियड है, हाई फर्टिलिटी होती है क्योंकि ओव्यूलेशन 14 डे के आसपास ही होता है, या तो 2 दिन माइनस कर दो 2 दिन प्लस कर दो, तो 12 से 16 दिन ऑन एन एवरेज। तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं प्रेगनेंसी को, अनवांटेड प्रेगनेंसी को। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। लेकिन आप लोगों को अगर कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना उसको, या मेरा नंबर हो ठीक है तो उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपकी हर प्रॉब्लम को असिस्ट किया जाएगा। जो मेरा फोन नंबर है वो है 7836951402, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसी नंबर पे आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजेंगे और अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना कि भाई कौन, क्या नाम है, कौन से स्कूल से हो, ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं, और कहां के रहने वाले हो। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।